obsessed with Thursday. इस वीडियो में आपको पता चलेगा आई एम ऑब्सेस्ड विद स्टेशनरी स्टफ एंड पेन, क्योंकि मेरे को जितने भी नहीं यार बहुत है ना, थोड़ी लाइक हेल्प लाइक यू बना मम्मी कौन कौन पहले आई एम सो सॉरी बट आपको इस वीडियो में थोड़ी सी फैन की आवाज आएगी। ये मेरा लगभग 10th टेक है। जो इतनी ज्यादा गर्मी है ना, अगर मैं 2 मिनट भी ऑफ करके बैठ रही हूँ ना तो पूरा पसीना आ जा रहा है और मैं फिल्म ही नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया फाइनली कि मैं इसको एक नंबर पे तो ऑन करूंगी तभी फिल्म हो पाएगा, नहीं तो अभी भी मुझे सॉलिड पसीना आ रहा है, बहुत लेवल की गर्मी। सो प्लीज 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 गाइस एडजस्ट कर लीजिएगा और कंप्लेन मत कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अभी स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश सब हेल्दी हैं, हैप्पी एंड सेफ हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, तो हाय माय नेम इज स्वाति। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए। तो जैसे कि आप टाइटल और थंबनेल से देख चुके हो कि इस वीडियो में आज क्या होने वाला है, एंड मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है मेरे चैनल पे कि आपके पेंसिल केस में क्या है। तो लेट्स सी व्हाट्स इन माय पेंसिल केस, लेट्स गेट। तो सबसे पहले गाइस हम बात करेंगे मेरे पेंसिल पाउच के बारे में, जो कि मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट पाउच है। ये कोई भी फैंसी पाउच नहीं है जो मार्केट में मिलते हैं, और ये पर्सनल मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मेरे हाथ का बना हुआ पाउच है। यस गाइस, इसको मैंने अपने हाथ से बनाया हुआ है। इसमें सिर्फ एक कंपार्टमेंट है और ये मुझे इसलिए भी बहुत ज्यादा पसंद है। एक तो ये डार्क कलर में है, ये जल्दी गंदा नहीं होता है। इसका प्रिंट मुझे बहुत पसंद है, जैसे कि आप देख सकते हो ये कॉटन का कपड़ा है और इसके अंदर मैंने कुछ इस प्रिंट का कपड़ा लगाया हुआ है। तो ये बहुत ही ज्यादा, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ भी इंक वगैरह गिरे तो वो बाहर हो जाए, और इंक वगैरह गिरने से ही केसेस जो हमारे हैं वो मोस्टली खराब होते हैं। बट इसमें मुझे अभी तक ऐसा कोई भी चीज देखने को नहीं मिली है। मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत सॉफ्ट है। अगर इसमें मैं कोई सामान नहीं रख रही हूँ तो आराम से फोल्ड हो जाता है। इसको एज अ मेकअप पाउच भी यूज कर सकती हूँ। तो ये बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल यूज में है और ये मेरे हाथ का बना हुआ, इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। तो ये है मेरा केस। कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे हाथ का बना हुआ केस कैसा लगा। मैंने ऐसे 2 से 3 पाउचेस बनाए हुए हैं, बट अभी मेरे पास नहीं है, बट ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। सो नाउ अब हम देखते हैं कि मैं इसके अंदर क्या कह रहा हूं। गाइस डोंट जज मी, बट इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि मैं कितनी ऑब्सेस्ड हूं पेन से और स्टेशनरी स्टफ से, क्योंकि वो बहुत एक तो क्यूट होते हैं, ऊपर से मुझे पेन्स के लेके मुझे एक अलग ही प्यार है। जब भी मेरे पापा कोई नया पेन लाते हैं, उनको ऑफिस से बहुत प्यारे प्यारे पेन्स मिलते हैं, मैं पूछती हूं पापा ये आपका है, तो वो हमेशा बोलते हैं हां ये मेरा है, तुम इसे यूज नहीं करोगे, क्योंकि उन्हें भी पता है मुझे पेन से एक अलग ही प्यार है। अगर उनका कोई पेन खोता भी तो मुझसे पूछता है सबसे पहले कि मेरा पेन कहाँ है। आई वॉज लाइक मैंने नहीं लिया है, हर बार थोड़ी मैं ही लूंगी। अपार्ट ऑफ दैट, सबसे पहली जो चीज इस पाउच में से बाहर आती है वो है ये ब्लू पेन कलेक्शन। आधे उल्टे हैं और आधे सीधे। वेट अ मिनट, ये पेन, ये सारे ब्लू पेन है और ये सारे के सारे मेरे बॉक्स में है। जैसे कि मैंने बताया मुझे पेन से एक अलग ही प्यार है। तो ये जो कंपनी है वो है नटराज। रिसेंटली जब मैं यहाँ आने वाली थी, इससे पहले मेरे पापा इसका एक डिब्बा लेके आए थे और ये पेन मुझे काफी पसंद आए हैं। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि अगर आप एक बार नटराज के पेन को ट्राई देना चाहो तो आप डेफिनेटली दे सकते हो। यहाँ पे मेरे पास 5 कलर है इस पेन के, और इसके सारे पेंसिल कलर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे कि ये नटराज की पेंसिल होती है, सेम इसी कलर में यहाँ पे इसका पेन का कलर है, और बिल्कुल ये पेंसिल का लुक देने की कोशिश की है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास है पर्पल कलर, और ये बहुत ही प्यारा कलर है, ये ट्रांसपेरेंट। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि आप इसमें रिफिल्स चेंज कर सकते हो। ये सिर्फ मात्र 3 रुपए का है, और 3 रुपए के पेन में अगर आप इसकी रिफिल्स भी चेंज कर सकते हो तो इससे ज्यादा बेटर और क्या होगा। सो ये मुझे काफी पसंद है। इसके अलावा इसमें जो कलर्स हैं वो है ये ब्लू कलर, ये अभी आपको सिर्फ इतने दिख रहे हैं। इसके अलावा भी इसमें से और भी पेन्स मेरे पास थे जो कि मेरे खत्म, ऑलमोस्ट 2 से 3 पेन मेरे इसके खत्म हो चुके हैं अभी तक में। इसके बाद मेरे पास इसका कलर है ग्रीन, लुक एट हाउ ब्यूटिफुल, एंड लास्ट वन इज दिस ऑरेंज। इसमें कैप नहीं है, नेवर माइंड, बट दिस ऑरेंज। तो मुझे नटराज के पेन काफी पसंद है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी। इसको जनरली मैं यूज करती हूँ रफ वर्क में, लेकिन ये बहुत ही काम आता है, बहुत अच्छे से चलता है। सो आप इसको एक बार ट्राई दे सकते हो। सो फर्स्ट थिंग इज दैट। सो या अब मूव ऑन करते हैं सेकेंड थिंग की तरफ। पेन जो है वो है ये
क्लैरो क्रोमा के पेन जो कि है ब्लू में और ब्लैक में, तो इसके भी मेरे पास इतने सारे पेन हैं। तो जो भी पेन मैं यूज कर रही होती है, देखिए इसमें रिफिल्स ऑलमोस्ट आधी आधी खत्म हो चुकी है, जो भी पेन मैं यूज कर रही होती हूँ उनकी कैप्स आपको नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि पता नहीं मुझे क्या प्रॉब्लम है बट मैं कैप लगा के नहीं रख सकती हूँ, ऐसा मैंने एक ब्लॉग में भी बताया था। और इस पेन का रिव्यू मैंने आपको एक और किसी अपने ब्लॉग में बहुत पहले एक ब्लॉग में शेयर किया था जब मैंने ये पेन लिए थे, ये भी मुझे काफी पसंद है। रेट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा वर्क करते हैं, इससे आप फेयर वर्क भी कर सकते हो और रफ वर्क भी कर सकते हो, ये भी ऑलमोस्ट 3 रुपीज के कॉस्ट करते हैं, तो नॉट अ बैड चॉइस, आप इसको भी एक ट्राई दे सकते हो, ये बहुत ही अच्छे चलते हैं। तो अब बढ़ते हैं तीसरी चीज की तरफ। सो द नेक्स्ट थिंग आई हैव इन माई पेंसिल पाउच इज पेंसिल्स, और जनरली पर्सनली मुझे जो पसंद है वो है नटराज की पेंसिल, ये पता नहीं क्यों मुझे बचपन से ही बहुत ज्यादा पसंद है। इसके अलावा मैं जल्दी कोई और पेंसिल ट्राई नहीं करती हूँ, अगर मजबूरी में मुझे कोई लेना पड़े तो ही मैं यूज करती हूँ, अदरवाइज मैं नटराज ही प्रेफर करती हूँ। बट जब से मैं दीदी के यहाँ पे आई हूँ तो मैं दीदी की ये डोम्स की नियॉन पेंसिल को यूज कर रही हूँ और ये मुझे बहुत पसंद आई है। सबसे पहले तो मुझे इसका कलर बहुत पसंद है और यहाँ आप देख सकते हो पूरे पेन के निशान है और इसकी निब पे भी, क्योंकि जब भी मैं लिखती हूँ तो इस पे हाथ लगता है और इसमें पूरे पेन के निशान आ जाते हैं या ये पेन के साथ रखी रहती है। सबसे पहले मुझे इसका कलर बहुत ज्यादा पसंद आया है और ये बहुत ही ज्यादा लंबी लगती है, तो जब भी लिखो तो बहुत मजा आता है। और द फैसिनेटिंग थिंग इज कि इसके पीछे रबड़ है, हाउ क्यूट, मतलब ये बचपन में सारी चीजें अच्छी लगती थी बट मुझे अभी भी ये फैसिनेट करती है कि इसके पीछे रबर है, तो ये इसलिए भी मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। तो अगर नटराज के अलावा मैं किसी पेंसिल को ट्राई कभी करूंगी तो वो होगी डोम्स की पेंसिल, सो आप भी इसको एक बार यूज कर सकते हो, या अगर आप कोई और पेंसिल यूज करते हो जो इन दोनों से अच्छी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बट मेरी पर्सनल फेवरेट हमेशा नटराज रही है और उसके बाद अगर मैं ट्राई करूंगी तो वो होगी डोम्स, सो आई हैव दिस। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट थिंग की तरफ। तो जैसे कि आप सबको पता है कि मैं कलर पेन यूज करती हूँ, तो द नेक्स्ट थिंग आई हैव इज रेनॉल्ड्स के ब्राइट रेड पेन। तो यहाँ पे मुझे कलर पेन ज्यादा नहीं मिल पाए थे तो मैंने रेड पेन यूज किया, क्योंकि कम से कम 3 पेन तो मेरी कॉपी पे होना चाहिए लाइक ब्लू ब्लैक एंड रेड, तो इसलिए यहाँ पे ये है। और जैसे कि मैंने बताया कि जो मैं यूज करती हूँ उस पर कैप नहीं मिलेगी, तो इसमें कैप नहीं है, सो माइंड मत कीजिए। तो मेरे पास है रेनॉल्ड्स का, ये मैंने पहली बार ट्राई किया, यहीं पे आके ट्राई किया है, जैसे कि आप देख सकते हो इसकी अभी सिर्फ इतनी सी रिफिल खत्म हुई है, तो मैं इसको ट्राई कर रही हूँ, बट ये काफी अच्छा लगा मुझे, राइटिंग बहुत स्मूथ है, इसकी इंक बहुत अच्छी है, तो आप इसको भी एक बार ट्राई कर सकते हो, मुझे ये पेन काफी अच्छे लगे हैं। सो जो नेक्स्ट थिंग मैं आपको बताने वाली हूँ वो मेरी पर्सनल फेवरेट हो चुकी है। एक्चुअली मैं जब भी यूज करती हूँ तो ये 3 रुपए वाले पेन से यूज करती थी, इससे ज्यादा मुझे अच्छा नहीं लगता था किसी में भी इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये बहुत अच्छी काम करके देते थे, दैट्स व्हाई हमेशा मैं 3 रुपए वाले पेन ही प्रेफर करती थी। बट जब से मैंने इन पेन्स को ट्राई किया है मैं इसकी फैन हो चुकी हूँ और मैं अब इन्हें ही प्रेफर करती हूँ। सो ये है राइटोमीटर के फ्लेयर के राइटोमीटर्स, आपने इसका नाम सुना होगा। तो जब मैं कोचिंग में थी तभी मैंने मेरी फ्रेंड्स को यूज करते थे और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया एक बार राइटोमीटर ट्राई करके दे, तो सबसे पहला जो पेन था राइटोमीटर का वो मैंने ये लिया था। और मेरे को पर्सनली ये वाला जो इसका जो बाहर का स्ट्रक्चर है वो मुझे ज्यादा पसंद है। जनरली आपको पेन ऐसा देखने को मिलेगा बट मुझे ये ज्यादा पसंद है क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट लगता है और इसका जो पेन है ग्रिप है ये मुझे बहुत पसंद है। पता नहीं क्यों पर्सनली मुझे ये वाला जो इसका मॉडल है वो ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मुझे ये वाला ज्यादा पसंद है। मुझे अचानक से ये वाला मॉडल इसका मिल गया था और ये मुझे काफी पसंद है, बस इसका अभी थोड़ा सा कलर जा रहा है क्योंकि इसको टाइम हो गया है। लेकिन गाइस ट्रस्ट मी, मैं इसे जब से मेरी कोचिंग स्टार्ट हुई है उसके 1 महीने बाद से ट्राई कर रही हूँ, बट अभी इसकी सिर्फ इतनी इंक गई हुई है, आप देख सकते हो। काफी 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 इम्प्रेस किया है इस पेन ने मुझे और इसलिए ये मेरा पर्सनल फेवरेट पेन बना हुआ है, क्योंकि इसकी सबसे खास बात यह है कि काफी पेनों में होता है लाइक नटराज के पेन में क्लैरो के पेन में भी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है कि जैसे जैसे आप लिखते जाते हो ना वैसे वैसे इसकी जो इंक की वो रहती है वो थिकनेस बढ़ती जाती है, धीरे धीरे डार्क होते जाते हैं, इंक छोड़ जाते हैं, बट राइटोमीटर के साथ आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं फेस होगी, कभी नहीं।
जब आप उसको पहली बार जैसे लिखोगे वैसे ही आप लास्ट तक जब तक लिखोगे ये वैसा ही लिखेगा, लाइक उतना ही पतला। इसमें ना इंक छोड़ने की दिक्कत आती है, ना ही ये डार्क होता है। सो ये बात इसकी सबसे अच्छी, और इसकी जो रिफिल है वो बहुत ही अच्छी तरीके से लंबे वक्त तक काम कर रही है। ऐसा लग रहा है मैं राइटोमीटर को एडवर्टाइज कर रही हूँ, बट लिटरली ये वर्थेड है, तो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद है। रिसेंटली अभी मैंने इसके ये दोनों नए पेन लिए हैं, इसलिए मुझे ये मॉडल यहाँ पे नहीं मिला, तो मुझे ये लेने पड़े। तो ये है ब्लैक, ये है ब्लैक, और उसी में का मैंने एक बैकअप की तरह ब्लू लिया, बट मुझे नहीं लगता कि मैं इसे यूज कर पाऊंगी क्योंकि ये अभी भी चल रहा है। सो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन मांगोगे, सजेशन मांगोगे किसी पेन का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी अगर आप वॉल पेन से लिखना प्रेफर करते हैं तो आप राइटोमीटर को एक ट्राई जरूर दें। ये काफी अच्छा पेन है, मैं अपने फेयर वर्क के लिए अभी इसी को यूज करती हूँ। अभी इसमें एक और नया मॉडल आया बट मुझे वो उतना ज्यादा पसंद नहीं आया, और उसकी कॉस्ट भी इससे शायद थोड़ी सी ज्यादा है। ये आई गेस मुझे 20 रुपीज के मिले थे ये दोनों, 20 रुपीज के, तो 20 रुपीज में बहुत ही अच्छा काम करके देता है। वो शायद 40 रुपीज का है, और 40 रुपीज का सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका बाहर का मॉडल चेंज हुआ है, दैट्स इट, रिफिल सेम है, तो फायदा क्या है। तो आप इसको एक बार ट्राई जरूर दे सकते हो। मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। सो द नेक्स्ट थिंग, आई हैव दिस टू मार्कर्स, और मुझे नहीं पता कि ये मेरे पाउच में क्या कर रहे हैं क्योंकि मुझे इसका यूज कहीं भी नहीं आता है। और ये दोनों के दोनों जो है परमानेंट मार्कर हैं, दोनों रोडिट्रो के हैं परमानेंट मार्कर HD, एक है CD DVD का और एक है HD मार्कर। आई थिंक ये बोर्ड या किसी चीज के लिए होगा, आई डोंट नो, बट मुझे नहीं पता ये मेरे पैक में क्यों है, बट है तो ठीक है, कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएंगे। तो नेक्स्ट थिंग इन माई पाउच इज दैट स्टिकी नोट्स। आपको जैसे कि पता है मैं स्टिकी नोट्स बहुत ही ज्यादा यूज करती हूँ और मुझे ये काफी पसंद आते हैं। इसके बाद मेरे पास ये भी मैंने स्टिकी नोट्स समझ के ही लिया था, ये काफी मोटा है। मैं स्टेशनरी पे मैंने बोला कि मुझे स्टिकी नोट्स चाहिए, बट इसमें बिल्कुल भी बीच में ग्लू और गम नहीं है कि मैं इसे ऐसे निकाल के चिपका दूं। सो ये मेरे साथ थोड़ा सा फ्रॉड हुआ, बट क्या ही फ्रॉड बोलेंगे, बस ये मैंने ले लिया। तो अब मैं ऐसा ऐसे डायरी यूज करती हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो इसमें जो भी छोटी मोटी चीजें होती है वो मैं लिख देती हूँ। तो ये स्टिकी नोट्स तो इसे नहीं कहेंगे, बट ये मेरे पाउच में है, सो दैट्स व्हाई, एज आप स्टिकी नोट्स बोल लो या स्मॉल डायरी बोल लो। सो ये है नेक्स्ट थिंग। सो द नेक्स्ट थिंग आई यूज इज दिस कैमलिन एग्जाम का स्केल। इसके अलावा मेरे पास एक और बड़ा स्केल है, बट वो इस पाउच में नहीं आता है तो वो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। बट ये कैमलिन का स्केल, अच्छा खासा स्केल है, आई थिंक सिर्फ 5 रुपए का है। सो ये एंड द नेक्स्ट थिंग आई यूज, आपको जैसे पता है कि मैं हाईलाइटर बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, मुझे बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, बट अभी मेरे पास सेम कलर में सेम हाईलाइटर है। सो पहले मैं ये यूज कर रही थी सेल्लो का पावर 2000 हाईलाइटर, ये भी काफी अच्छा हाईलाइटर है। इसमें मेरे पास 3 कलर थे, बट यहाँ पर अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, और इसकी इंक जो है वो थोड़ी सी फेड हो गई थी अभी, बट इसने भी अच्छा खासा मेरा साथ दिया है, तो मुझे ये बहुत पसंद आया है। ये सिर्फ 10 रुपीज का है, तो ये काफी अच्छा हाईलाइटर है। उसके बाद इसका जो कंपनी का नेम है वो बदल गया, कंपनी का नेम जो है वो मिट गया है, तो ये भी कैमलिन का ही है, और ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, इसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। मैंने सेलो के बाद काफी टाइम बाद कोई अलग हाइलाइटर यूज किया है, तो इसका जो इंक है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे तरीके से हाईलाइट करता है। तो अगर आपको हाईलाइटर लेना हो तो आप कैमलिन का हाईलाइटर ट्राई कर सकते हो, इसने मुझे बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस किया है, तो ये बहुत ही अच्छा हाईलाइटर है। सो आप एक ट्राई इसको देके देख सकते हो। सो आई गेट दैट्स इट, एंड आप इमेजिन कर सकते हो कि मेरे पेंसिल पाउच में इतनी सारी चीजें होती हैं। लाइक ये नॉर्मली मैं यहाँ पे आई हूँ, इसलिए मैंने कुछ पेन एक्स्ट्रास में ज्यादा रख लिए थे अपने पाउच में, लेकिन नॉर्मली भी मेरे पाउच में इतने ही सारे पेन्स होते हैं। तो अब आप इमेजिन कर सकते हो कि हाउ ऑब्सेस्ड आई एम विद पेन्स। तो दैट्स इट, यही था। आप भी बताइएगा आपको कौन सा पेन जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा लगा, या आप इसके अलावा कोई पेन यूज करते हो जो मुझे ट्राई करने चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और इनमें से आपको कौन सा पेन सबसे ज्यादा अच्छा लगा वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो या दैट्स इट व्हाट्स इन माय पेंसिल केस और पेन केस। तो बहुत सारी स्टफ है जो अभी इसमें नहीं है, लाइक शॉर्पनर वगैरह इसमें नहीं है क्योंकि मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी, तो जो भी चीजें मेरे पास मुझे ज्यादा लगती है वो
मैं इसमें रख के लाई थी। तो अगर आपको ये पसंद आएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बताऊंगी जब मैं अपने घर पे होंगी, और मैं आपको और भी ज्यादा चीजें बताऊंगी कि क्या मैं इसमें रखना प्रेफर करती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अगर यहाँ तक देखा है, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज उसको लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज, आप लोग इतने अच्छे कमेंट्स करते हो, इतने अच्छे व्यूज देते हो, बट सब्सक्राइबर इतने धीरे क्यों बढ़ रहे हैं? प्लीज गाइज सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, इट्स टोटली फ्री, मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा आगे वीडियोस बनाने में। एंड कमेंट कीजिएगा, एक कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का ख्याल रखें, खुश रहें, ढेर सारा प्यार आप सभी को। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और व्लॉग में, तब तक के लिए खुश रहें, बाय बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल आइकन। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।